हाय गाइस, फाइनली मैं गैजेट्स पे वीडियो ले आया हूँ। भाई आप में से बहुत सारे लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि भाई गैजेट्स के ऊपर वीडियो बनाओ, और मैं समझता हूँ भाई जब भी मैं बहुत सारे गैजेट्स इकट्ठे मंगाता हूँ तो ऑब्वियसली अलग अलग लोगों की हेल्प हो जाती है। तो देखो आज ये जितने भी गैजेट्स हैं ना, इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग गैजेट है और एक तो फनी भी है। बताऊंगा मैं एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहला गैजेट है ये, इसका नाम है लाइट पैनल, और इसको ना मैंने 397 रुपीस से खरीदा है और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट लगा है। सबसे पहले तो मैं ये प्लास्टिक हटा देता हूं। अब आपको सेंस बनेगी है क्या, इसमें ना ट्रिपल ए बैटरीज लगती है, मैंने लगा दी। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, इससे लाइट जली। अब इसकी क्या सेंस है वो आपको इससे समझ में आएगा। देखो अगर रूम की लाइट बंद है या फिर आप एयरप्लेन में हो और आपको बुक पढ़नी है, तो देखो इसको, इस लाइट पैनल को मैं ऐसे लगाकर और मैं पूरी बुक को रीड कर सकता हूँ इजिली, और वो भी बिना लाइट चलाए। अच्छा अपने ओपिनियन की बात करो, 397 रुपीस में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सही तरीके से वर्क करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी मैंने इसको अलग अलग बुक्स पे भी टेस्ट करा, जैसे ही बहुत बड़े साइज की बुक होती है तो ऑब्वियसली भाई इसको जो है हमें अलाइन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा खुद से, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। लेकिन यार मैं ये भी बोलूंगा क्योंकि अंधेरे में एक लैंप से बेटर हम ये ऐसे मतलब सिर्फ एक पेज को लिट अप कर सकते हैं, तो मुझे वो फोकस के नजरिए से बहुत सही चीज लगी। बट क्योंकि लोग जो है बुक्स बहुत देर के लिए पढ़ते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा टायरिंग हो जाए इसको पकड़े रखना और बुक को भी होल्ड करके रखना, तो फ्लैट सरफेस पे रखना ऐसे इस लाइट्स पैनल को वो ज्यादा सेंसेबल लगा मुझे। देखो मेरे हिसाब से मेरे को ये हेल्पफुल चीज लगी है, और 400 रुपए में तो बहुत अच्छी फंक्शनलिटी लाकर दे रही है। और मैंने ये भी देखा है बहुत सारे अलग अलग सेलर्स है जो कम प्राइस में भी इस चीज को दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सेम मिरर लेना चाहो तो आप ले सकते हो 400 वाला। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये लेजी रीडर ग्लासेस, 600 रुपए का मैंने खरीदा है ये, और मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे हिसाब से भाई ये फन चीज भी है। इसका यूज क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ग्लास है और यहाँ पर मिरर है, तो इस मिरर की वजह से जो है ना हम नीचे वाले एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिरर है तो 90 डिग्री पे भी ये चश्मा देख सकता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको बॉक्स, ये जो है एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है इमेज को। इन ग्लासेस का पता यूज क्या है, अगर मैं इनको ऐसे वियर करता हूँ, पहली बार कुछ ऐसा दिखूंगा भाई मैं वियर करने के बाद, बट अगर मैं लेटा हुआ हूँ और मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ तो भाई मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, मुझे इस टाइम पे गर्दन अपनी नीचे करने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे पूरी की पूरी बुक दिख रही है, ये अच्छी तरीके से दिख रही है। बट हाँ अगर जैसे मैं अभी सीधा बैठा हूँ तो यहाँ पर प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि हैवी ग्लासेस है ना ये, बट अगर मैं लेटा हुआ हूँ तब मैं बोलूंगा इसको पहना जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वर्क नहीं करता, वर्क 100% करता है ये, बट मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, सब ने इसको जब ट्राई किया कुछ कुछ को मोशन सिकनेस हो रही थी। ऑब्वियसली भाई अब इन ग्लासेस को पहन के चलना तो है नहीं, अगर चलोगे तो भाई ऑब्वियसली मोशन सिकनेस होगी, बट नो डाउट ये ग्लासेस फनी है। इतना कौन लीजी होता है कि भाई उसको बिल्कुल ही गर्दन भी नहीं झुकानी पड़ने के लिए, वो एक डिफरेंट चीज हो गई। बट ये गैजेट वर्क जरूर करता है, बट यार मैं इसको क्या ही रिकमेंड करूं। नेक्स्ट ये ह्यूज बॉक्स, बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है, मैं दिखाता हूँ। इसका नाम है मेटा शॉट, और ये जो गैजेट है मैंने 6000 रुपए खरीदा है, और ये देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एक बैट, जो कि आपको मैं बताऊंगा इस बैट का क्या काम है। ये एक्चुअली में गेमिंग में बहुत हेल्प करेगा, और ये है HDMI जो कि ऑब्वियसली टीवी में कनेक्ट करने के लिए काम आएगा, इसको समझ में आएगा आपको आगे चल के, मैं करके दिखाऊंगा ना इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो ये फोन से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर टाइप सी भी है, माइक्रो USB भी, और आईफोन का लाइटनिंग। बाकी बॉक्स में जो है यहाँ पर टाइप सी केबल अलग से भी मिलती है इस बैट को चार्ज करने के लिए। तो इस बैट से गेम खेलने के लिए ना ये मेटा शॉट ऐप है ये जो इंस्टॉल करनी पड़ती है, और मैंने कर ली है। S23 FE में हम ट्राई कर रहे हैं सेम चीज। ये HDMI वाला पार्ट मैं टीवी में लगा देता हूँ पीछे, और इसी केबल का जो अदर एंड है यहाँ पर टाइप सी है, तो मैं इसको फोन में लगा देता हूँ, और फोन में कुछ सेटिंग से अलाउ करने के लिए बोलेगा, आप सारी कर देना और मीरा कास्ट के थ्रू ये सब कुछ हो जाएगा स्क्रीन पे, जैसे अभी आने लगा है पूरी की पूरी डिस्प्ले। तो अब मैं मेटा शॉट वाली ऐप ओपन कर देता हूँ। अब देखो इस टाइम पे गेम चल चुका है और अब मैं खेल सकता हूँ। तो गाइस इस टाइम पे पूरा सेटअप बन चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये बैट से वर्क करता है। सबसे पहली बात, ये जो बटन है जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा बॉल आ जाएगी, मुझे जस्ट ऐसे प्ले करना होगा। सारे मोशन सेंसर वगैरह आई थिंक इसमें लगे हुए हैं। लेटेंसी मैंने देखा है सही है भाई, बुरी नहीं बोलूंगा मैं प्राइस के हिसाब से। मैंने आईफोन से कनेक्ट किया, पहले मैंने सैमसंग से ट्राई किया था,
थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी S23 FE से मैंने किया था वो, तो हो सकता है भाई वो थोड़ा परफॉर्मेंस ही कमी हो मे बी। चलो मैं ये वाला बटन प्रेस कर देता हूँ, अब सामने से बॉल आएगी। जज मत करना भाई मेरे गेम प्ले को, मैं बिल्कुल भी अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है, ना मैंने कभी खेला है, बट आप लोग को दिखाने के लिए आई विल ट्राई। तो जैसे कि आपने देखा इस टाइम पे बैट मूव हो गया, इससे क्या हुआ अभी, चलो आई थिंक एक रन तो लग गया होगा, नहीं लगा, नहीं लगा। चलो भाई एक और बार बटन प्रेस कर देते हैं, देखते हैं अब सामने से कैसे बॉल आती है, क्या रहता है। आई थिंक ये शॉट मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, मुझे मेरी टीम ने सिखाया अभी भी। तो भाई कुछ तो लगा, आप समझ गए, मैं एक बार पार्थ को ही बोलता हूँ, पार्थ यार एक बार खेल के दिखा दे सबको थोड़ा अच्छा सा, मुझे थोड़ा सा कम आता है, पार्थ खेल के दिखाएगा आप लोगों को। तो गाइज इसका मतलब ये है कि मैं तो सही प्लेयर था, मुझे सिखाने वाले बेकार लोग थे। तो मतलब आप लोग समझ तो गए होंगे, नो डाउट भाई मैं जैसे खेल रहा हूँ ना, बहुत मस्त एक्सपीरियंस है यार, मैं बिल्कुल भी ऐसे बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही ऐसे अगर अब मैं बात करूँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस आ गया ना इसके अंदर, कि मुझे बैट मूव करना पड़ रहा है, मैं हर बार जो हूँ बॉल के लिए बटन प्रेस कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेक्टिव सा एक्सपीरियंस है। मैं बोल सकता हूँ भाई ये अच्छा गैजेट है, बस एक लास्ट ट्राई और करने वाला हूँ मैं, ये मैंने बटन प्रेस कर दिया है, आई होप कुछ तो दिखाऊं मैं आप लोग को, कुछ अच्छा ही दिखा दूं। मैं भी जस्ट एक रैंडम शॉट लेने वाला हूं, समझ तो गए हो गया आप लोग। इसको ट्राई करने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ भाई, जैसे क्राउड की जो नॉइज आती है, जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है, नो डाउट ये एक वैल्यू तो ऐड करता है। जिसको भी क्रिकेट का शौक होगा ना, फॉर श्योर वो इसको इंजॉय करेगा, उसको बहुत मजा आने वाला है इसको खेलने में, ऐसा मुझे लगा भाई फर्स्ट इंप्रेशन में। देखो नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग गैजेट है, काफी ज्यादा फन भी है, मस्त होता है गेमिंग के लिए। और इसी गैजेट का ना एक और वेरियंट आता है जिसके अंदर टीवी किट नहीं होती, वो 4,500 रुपए का है, बट वो जो 4,500 वाला वेरियंट है वो टीवी से कनेक्ट नहीं होता, तो मजा नहीं आता भाई, क्योंकि अगर मैं सिर्फ फोन से कनेक्ट करूं तो फोन की स्क्रीन बहुत छोटी है, अगर मैं इस बैट को मूव भी करता हूं तो वो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती। जब सामने टीवी होता है ना तब आता है भाई मजा इस बैट का। अगर आपको वो 4,500 वाला बिना टीवी किट का वेरिएंट खरीदना ही है तो मैं बोलूंगा आपके पास टैबलेट होनी चाहिए, तब सेंस बनेगा, तब आपको शायद से मजा आ जाए, नहीं तो भाई डिवाइस तो नो डाउट बहुत सही है। अब जो नेक्स्ट गैजेट मैं दिखाने वाला हूं ना भाई, उसमें मेरे साथ बहुत ज्यादा फनी चीज हुई है। ये जो आप गैजेट देख रहे हो ना, ये मैंने 6,000 रुपये खरीद लिया एक वेबसाइट से, और जब मैंने फ्लिपकार्ट पे सेम चीज़ चेक करी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था, पर 1,500 में भी मिल रहा था भाई ये। इन शॉर्ट मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बट वैसे मैं बता देता हूँ गैजेट काम क्या करता है। देखो ये जो है एक लैंप भी है जो कि RGB है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स ये दे देता है। देखो नो डाउट अगर मैं इसको किसी भी डेस्क सेटअप पे रखूं तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक तो लगेगा ही। देखो मैं बताता हूँ, ये एक लैंप है, साथ में एक अलार्म क्लॉक भी है, तो अगर मैं अलार्म सेट करना चाहूँ तो वो जो है, क्योंकि नीचे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं तो वहां से भाई अलार्म जो है बज सकता है। इनफैक्ट ये जो स्पीकर्स है ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट होके गाने भी प्ले कर सकते हैं, बट जो इसके स्पीकर्स है ना वो बहुत बुरे साउंड करते हैं भाई, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है, तो उसका कोई मज़ा नहीं है। बट लास्ट इसकी फंक्शनैलिटी ये है कि ये एक वायरलेस चार्जर भी है, तो अगर आप इसको अपने बेड के साथ में रखोगे तो ये अलार्म क्लॉक का काम तो करेगा ही, साथ में लैंप का भी और वायरलेस चार्जर भी बन जाता है, तो लाइक ठीक चीज़ है। लेकिन 6,000 में तो भाई नो वेज की मैं इसको रिकमेंड करूँ, अगर आप 1,500 का लेना चाहो तो भाई 100% आप ले सकते हो। अब नेक्स्ट ये सारे गैजेट्स जो है ना मैगसेफ से रिलेटेड है, एकदम ईजी तरीके से बता रहा हूँ भाई। एप्पल ने जो है मैगसेफ इंट्रोड्यूस किया था अपने आईफोन्स के अंदर, और वो जो है अपने बैक पैनल में एक तरीके की मैग्नेट सी लगी होती है जो वायरलेस चार्जिंग में बहुत हेल्प करती है, और एप्पल ने बहुत सारी मैगसेफ की एक्सेसरीज निकाली हुई है। फिर क्या भाई थर्ड पार्टी सीरीज आ गई इनकी, जैसे कि देखो होलोलॉक यूनिवर्सल रिंग 360। इससे क्या होगा ना, आप किसी भी फोन को, कोई भी एंड्रॉयड फोन हो या फिर कोई पुराना आईफोन हो, उन सब में जो हो मैगसेफ का यूज ले सकते हो। ये है वो रिंग जो फोन के पीछे लग जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, कुछ ऐसे कनेक्ट हो जाती है। लेकिन ये देखो बहुत फायदेमंद चीज है यार ये, जैसे कि अगर मेरे पास कोई पुराना सैमसंग का फोन है, जैसे कि S22 Ultra यहाँ पर C पे लिखा हुआ है, तो देखना मैं कैसे इसको पेस्ट कर सकता हूँ इस S22 Ultra पे। सबसे पहले एक और टूल मिलता है इसके अंदर जो कि इसके टाइप सी पोर्ट में ऐसे फिट हो जाएगा, तो अब इस यूजर गाइड को ना मैं इसको ऐसे फिट कर देता हूँ। इसने मुझे एग्जैक्टली बता दिया है कि मुझे मैगसेफ कहाँ पर कनेक्ट करना चाहिए जो कि टिकली भी अच्छा लगे और सही तरीके से अलाइन हो। तो मैं आप लोग को लगा के भी दिखा देता हूँ, आई होप मेरे से लग जाए, कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो इसको लगाना। प्रेस कर देते हैं और इसको हटा के देखते हैं,
आई थिंक लग गया सही तरीके से। देखो गाइस इसका ये फायदा है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट होता है फिर ये एग्जैक्टली सेंटर में और एस्थेटिकली करेक्ट। अब आता है मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, ये एप्पल का मैगसेव है, देखते कनेक्ट होता है। भाई बिल्कुल कनेक्ट हो गया देखो मैग्नेटिकली, और अब जो है वायरलेसली चार्ज हो सकता है सैमसंग S22 अल्ट्रा इस मैगसेव से। बट पता है नोटिस करने वाली बात क्या है, वो जो टूल मैंने आपको दिखाया है ना जिससे सही तरीके से अलाइन हो जाता है, ये क्या तो वो पुराने सैमसंग या फिर पुराने आईफोन के लिए ही बनाया हुआ है। अगर आपके पास और कोई फोन है तो आपको अंदाजे से सेंटर पे लगाना पड़ेगा, तो भाई ये मुझे थोड़ी सी डाउन साइड लगी इसकी। अब मैगसेव से रिलेटेड ये सेकेंड चीज देखो जो सुपर डुपर हिट में इसको बोल सकता हूँ और काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये अर्बन की तरफ से आता है और 2100 रुपए का मैंने इसको खरीदा है। अब फायदे की चीज मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये मैगसेफ सपोर्ट करता है और किसी भी एंड्रॉइड फोन पे हम ये रिंग लगा के मैगसेफ बना सकते हैं। तो देखो ये ऐसे कनेक्ट किया, मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, पूरे टाइम कनेक्ट रहेगा। ये बटन दबाऊंगा और अब देखना इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 49% इसकी बैटरी स्टार्ट हो गई है चार्जिंग होना। तो भाई ये काफी कूल चीज है यार, आप और हैंडी भी है, आप इसको पूरे टाइम लगा के रख सकते हो, हटाना है ऐसे हटा सकते हो। और इस पावर बैंक के ना बॉक्स में देखो एक बहुत फैंटास्टिक चीज है जो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, वो जो रिंग मैंने आपको दिखाई थी वो इस पावर बैंक के साथ इस प्राइस टैग में मिल जाती है। आप अपने फोन पे सीधा इसको लगा सकते हो और ये पावर बैंक जो है अपना वर्क करना शुरू कर देगा। और ये जो पावर बैंक है ना 5000 mAh का है और इसको ना एक एक्सटेंडेड बैटरी की तरह समझना अपने फोन के लिए, क्योंकि हम इसको पूरे टाइम कनेक्ट करके भी रख सकते हैं। तो भाई एक तरीके से ये एक्सटर्नल बैटरी आप समझना, क्योंकि 5000 mAh हमें पूरा नहीं मिलता किसी भी पावर बैंक से। तो मान के चलो ये फोन जो है 50% से ऊपर तो चार्ज आराम से कर देगा। और बाय एनी चांस आप अगर नए हो वायरलेस चार्जिंग को लेकर, तो मैं ये बता देता हूँ वायरलेस चार्जिंग में हीट जनरेट होती है। तो जैसे कि मैंने इस पिक्सल फोन पे इसको लगाया तो थोड़ी देर तक ये हीट करने लगा था, बट हाँ लंबे समय में वो हीट जो है उतनी रहती है, सच कोई बढ़ती नहीं रहती। तो मेरे हिसाब से सुपर हेल्पफुल गैजेट है अगर आपको बैटरी की बहुत ज्यादा नीड पड़ती रहती है, आप ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करते हो, मुझे लगता है कि आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोल्ड अवे फोन होल्डर। अब इसके साथ भी रिंग मिलती है तो ये भी बहुत सही चीज है, और ये मैंने 1500 रुपए का खरीदा है। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली मैं वर्क कैसे करता है। कुछ ऐसी इसकी पैकेजिंग है और काफी ज्यादा प्रीमियम ये है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा खासा वेट है और ये पूरे मेटल फिनिश के साथ आता है। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं इसमें बहुत अच्छी मैग्नेट होती है, फोन को ऐसे होल्ड कर सकता है ये। बॉक्स में ना प्लेट भी मिलती है, ये 3M से मैंने चिपकाई है। अब देखो मजे की चीज, मैंने इसको ऐसे लगा दिया, अब मैं दोनों स्क्रीन के ऐसे फायदे उठा सकता हूँ। ये आईफोन भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई एंड्रॉइड फोन भी लगा सकते हो, और बहुत कूल सेटअप बन जाता है यार। और इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि ये सिर्फ लैपटॉप से कनेक्ट होगा, अब ध्यान से देखना मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, ये फोन को एज अ होल्डर भी बना सकता है। इनफैक्ट क्योंकि ये पीछे मैग्नेट है, मैं इसको ऐसे रखूंगा तो फोन ऐसे सीधा भी खड़ा हो सकता है। और ये जो गैजेट है ना, इसका ये वाला पार्ट जो है, ये जो हमें होल दिखता है, ये जो है ट्राईपोर्ट से भी कनेक्ट हो जाता है, तो मैं किसी भी फोन को जो हूँ अब ट्राईपोर्ट पे फिट भी कर सकता हूँ। भाई नो डाउट ये काफी अलग अलग तरीके से वर्क करता है, अगर आपकी लाइफ में कहीं पे भी सेंस बन रही है इसकी, अगर आप ट्राईपोर्ट की तरह अपने फोन को यूज करना चाहते हो या फिर अगर आप लैपटॉप से अपने फोन को कनेक्ट करना चाहते हो, 100% भाई काफी प्रीमियम चीज है ये। प्राइस टैग के हिसाब से मटेरियल मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट्स भी है और ये हिंज जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट है ये स्पीकिंग की तरफ से कार्ड होल्डर, और ये भी मैगसेफ सपोर्ट करता है, बट इसमें कोई रिंग नहीं मिलती। वैसे मैं आपको बता दूं भाई ये 1800 रुपए का है, और आई विश इन्होंने रिंग इंक्लूड की होती तो काफी सही रहता, बट स्पीगन जो है काफी प्रीमियम चीजें बनाता है और अपने अच्छे मटेरियल के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको मंगा के देखा है, नहीं तो इससे महंगे और भी बहुत ज्यादा कार्ड होल्डर है, 2500 रुपए के भी है, उससे भी एक्सपेंसिव मिलते हैं। बट क्योंकि ये एंड्रॉइड पे भी वर्क कर रहा है, चलो इसको इस पे लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखो ये ऐसे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर हम अपने कार्ड्स रख सकते हैं, और अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो ये फोन का होल्डर भी बन जाता है। तो ठीक है, काफी अलग अलग तरीके से ऐसे फोल्ड हो जाता है, अच्छी एक्सेसरी है, और ये जो मटेरियल है
मुझे ये भी पसंद आया। देखो ऐसे कार्ड होल्डर जो है ना 500-600 रुपए के भी मिल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई हमें 1800 ही स्पेंड करने हैं। मेरे को था कि स्पीगन अच्छा है भाई कंपनी का नाम, और ये 1800 रुपए में एक अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है वैल्यू जस्टिफाई हो सकती है। क्योंकि अगर मैं बाकी आपको प्रीमियम मोशन दिखाऊं तो वो 2500 रुपए से भी ऊपर के मिल रहे हैं, तो उस केस में देखा जाए तो ये सही लग रहा है। एक बात मैंने नोटिस करी इसके अंदर भाई, अगर मैं यहाँ पर दो कार्ड रख देता हूँ तो ये वाला जो फ्लैप है ना पॉकेट में फोन रखते समय ऐसे खुल जाता है, तो ये दिक्कत वाली बात लगती है। बट अगर सिर्फ एक कार्ड रखा हुआ है तभी इतना परेशान नहीं करता, तो एक कार्ड ही सेंस बना रहा है। तो यहाँ पर सारे गैजेट्स खत्म हो जाते हैं भाई। ये जो मैक्सेव वाली मैंने आपको मल्टीपल गैजेट्स दिखाए, ये मेरे को थोड़े से नए लगे, मेरे लिए थोड़े से नए थे, तो मुझे लगा आपके साथ भी मुझे शेयर करने चाहिए। आप क्या सोचते हो इनके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ भाई, आप कमेंट सेक्शन में ना मुझे गैजेट रिकमेंड करो भाई, अगर आपको कोई पसंद है तो हो सकता है भाई नेक्स्ट टाइम मैं उसको खरीद के अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँ, क्या पता बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।